आज है पूरे कुमाऊं मंडल के दुग्ध संघों की मैंने बैठक की है, सभी अधिकारी इसमें मौजूद हैं। और पहला काम हम कर रहे हैं कि हमको मार्केटिंग की व्यवस्था ठीक करनी है और आंचल दूध को जन जन तक ले जाना है। अभी हम मार्केट में 10% में, बाकी 90% दूध जो है वो बाहर से आता है या अलग अलग क्षेत्रों से आता है। और हम लक्ष्य रख रहे हैं कि एक साल में हम अपने आंचल दूध को 20% तक ले जाने की बात कर रहे हैं। कुछ जैविक के क्षेत्र में हम जा रहे हैं, हिमालयन जैविक दूध के नाम से हम ब्रांड करने वाले हैं। तीसरा, जो दूधिया बाहर से दूध लाते हैं, क्योंकि हमारी तो सैंपलिंग होती है आंचल की, जो बाहर से आते हैं उनकी कोई सैंपलिंग व्यवस्था नहीं है, तो शासन में चूँकि वो विभाग स्वास्थ्य विभाग के अंडर में है, तो अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और यहाँ से जाने के बाद मैं ये ज़रूर करूँगा कि जो बाहर से दूध बिक रहा है उसकी कोई सैंपलिंग नहीं होती है, कोई फैट की कोई वो नहीं होती है, और इसको अगर हम रोकथाम कर देंगे तो हमारे आंचल दूध में 5-10% से ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। और कुल मिला के पूरे कुमाऊं के सभी ज़िलों में अल्मोड़ा ज़िले को छोड़ दिया जाए तो हमारी संतोषजनक स्थिति है, हमारे सारे दुग्ध संघ फायदे में चल रहे हैं। और आज मैंने अल्मोड़ा ज़िले को भी कहा कि भाई इसको ठीक करे, चंपावत पिछले 2 सालों में पहले पीछे था, इन 2-3 महीनों में उसको भी अच्छी ग्रोथ मिली है और दुग्ध के क्षेत्र में हम एक अच्छी क्रांति लाने वाले हैं। और अपना छाछ हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, हर क्षेत्र में हम जाने वाले हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दूध वाला विभाग दिया है, इसमें आम आदमी का भविष्य क्या है दूध से जुड़ा हुआ है। जो बाहर से निजी कंपनियां हैं वो लोग भी लगातार यहां पर आ रही हैं, उसको क्या आपको नहीं लगता कि रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि यहां पर आपका ब्रांड नहीं चल पा रहा है? नहीं नहीं, देखो नैनीताल ज़िले में तो सर्वाधिक दूध हम देते हैं, नैनीताल और हरिद्वार और उधम सिंह नगर ज़िले में, लेकिन फिर भी खपत यहाँ बहुत है। और जो बाहर से लोग आते हैं, दूधिया आते हैं या अन्य कंपनियां, उनकी क्या होता है कि कोई सैंपलिंग की व्यवस्था भी है नहीं, वो सीधे डायरेक्ट बेच के चले जाते हैं। तो हम सरकार से अभी बातचीत करेंगे और स्वास्थ्य विभाग से भी, मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की है, और इसको ज़रूर हम इस व्यवस्था पे कोई ना कोई चेक करेंगे। देखिए, सहकारिता का चुनाव स्वाभाविक चुनाव है, क्योंकि अध्यक्ष के इस्तीफे देने के बाद वहाँ चुनाव होना था। अभी उपसभापति उसके चार्ज में थे और मैंने सिंपल एक आदेश दिया कि भाई जो भी आएगा चुन के आएगा, चुनाव कराए, एक अच्छी परंपरा भी है, लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। और 18 तारीख को चुनाव होने वाला है, हमारे विरोधी लोग कोर्ट में भी गए थे लेकिन माननीय न्यायालय ने भी हमारे पक्ष में इसको सुनाया है, और मैंने सहकारिता एक्ट 2003 के तहत ही चुनाव करा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि चुनाव एक स्वस्थ परंपरा के तहत हों और जो जीतेगा वो हमारा अध्यक्ष बनेगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात सुनता हूँ। पार्टी की जो है, आपको नहीं लगता कि पार्टी को जो है उनके खाते में आने चाहिए बीजेपी के? भाई, हम राजनीतिक दल हैं तो हमारी अंतिम कोशिश रहती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। देखो, सबसे बड़ा काम हमने किया है कि अभी 6-7 सालों से जो है प्राचार्यों की नियुक्तियाँ नहीं हुई थी, मैंने उसकी DPC करा दी है और 1 महीने में उत्तराखंड के प्रत्येक महाविद्यालय में प्राचार्य जो है परमानेंट चले जाएंगे, और बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सरकार की है। 19 तारीख को हम प्राचार्य और कुलपतियों का सम्मेलन कर रहे हैं नैनीताल में, और पहला काम हमारा रहेगा सत्र नियमित का, और हम एक शैक्षणिक पंचांग घोषित करेंगे। अगले साल से प्रत्येक कॉलेजों का सत्र नियमित हो जाएगा, समय पर परीक्षाएं होंगी, समय पर एडमिशन होंगे, समय पर छात्र संघ चुनाव होंगे, समय पर रिजल्ट आएंगे, 180 दिन पढ़ाई होगी। और ये प्रत्येक माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, 180 दिन पढ़ाई हो। जहाँ तक निजी विश्वविद्यालयों की बात है तो मैंने उनके मालिकों से भी, कुलपतियों से भी एक दिन अभी मैं बैठक कर रहा हूँ, और वहाँ भी मैं कड़ाई से सत्र लागू कराऊँगा। और उनसे मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ कि जो उत्तराखंड के BPL बच्चे हैं और होनार बच्चे हैं, उनको फीस में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन में दिलाऊंगा। अभी तक हमारे उत्तराखंड में 16 निजी विश्वविद्यालय हैं, और अगर कोई और लगाना चाहेगा तो उसके लिए छूट है। हम चाहते हैं कि शिक्षा का उत्तराखंड हब बने, और निजी विश्वविद्यालय खोलने में कोई ऐतराज़ नहीं हमें, लेकिन हमें ज़रूर चाहेंगे कि वहाँ राष्ट्रवाद हो और अच्छी पढ़ाई हो
और उत्तराखंड का भला हो। किशोर उपाध्याय का विवादित बयान आया है, क्या कहना चाहते हैं आप? बौखला गए हैं हार से या फिर क्या चाहते हैं? भाई देखिए, वो मेरे बड़े भाई हैं और हमारे विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कई बार आदमी हारने के बाद थोड़ा सी सदमे में रहता है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय गीत के प्रति अगर उनका ये भाव है तो मैं उनको ज़्यादा क्या कह सकता हूँ।